नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक आओ सभी नाटक देखो नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक आओ सभी नाटक देखो नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक भैया खबर माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस नाटक को देखते हैं लड़कियों के सम्मान में, जो एक बहुत अच्छी इस नाटक का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक 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 देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक वाले तुम भी आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक वाले तुम भी आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक भी देखने वाले आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो देखो नाटक देखो नाटक टीवी देखने वाले आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक बेटी को वोट डालने वाले आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक बेटी को वोट डालने वाले आओ नाटक देखो नाटक नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक। सुनो 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 भाई सुनो एक कहानी सुनो जिसमें ना कोई राजा वाजा ना है कोई रानी वानी। कहानी है बहुत पुरानी बहुत पुरानी बहुत पुरानी बहुत पुरानी जानी पहचानी फिर भी है अनजानी अनजानी भाई अनजानी। हे भगवान पहले से ही तीन तीन छोटा दे रही है इस बार तो एक छोटा दे दे। माँ दादी आप इतने परेशान क्यों हो खर्चा मेरी नजरों के सामने से। माँ माँ बधाई हो। अरे बधाई हो बधाई हो मुझे पोता हुआ है। लड्डू बांटो भाई लड्डू बांटो लड्डू बांटो भाई लड्डू बांटो जश्न मनाओ भाई जश्न मनाओ जश्न मनाओ भाई जश्न मनाओ। हाँ माँ लड्डू बांटो लेकिन बेटा नहीं बेटी हुई है। क्या फिर से पोती हुई है? क्या ये मेरे वंश को आगे बढ़ा पाएगी? क्या ये समाज में मेरा नाम रोशन कर पाएगी? नहीं ना तो ये ले लड्डू और दूध उसके मुंह में और मार डाल इसे। नहीं माँ मैं नहीं मारूंगा इसे। जरा इसकी आंखों की चमक तो देखिए। अगर तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगी। अभी बिचारी के हाथों में लकीरें भी नहीं आई और आपने इसका भविष्य भी तय कर दिया। जरा एक बार सुन तो लो ये क्या कहना चाहती है। मतलब कि इस दुनिया में माँ तो घुट कर रह जाएगी बेटी समझे माँ का दुख वही देती है मन को दुख। अब तो कर लो बेटी से प्यार बेटी से प्यार बेटी से प्यार। बेटी को मारोगे तो दुल्हन कहाँ से आएगी और आपकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ पाएगी कैसे बढ़ पाएगी कैसे बढ़ पाएगी। क्या तुमने कल का टीवी शो देखा है? हाँ देखा है ना। हजारों लड़कियों को जन्म देते ही मार दिया जाता है। हाँ और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सभी को बेटा ही चाहिए। हाँ सही बात है लेकिन एक और बात है आज इस देश में नारियों के साथ क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है। बाल विवाह शोषण और भ्रूण हत्या। देश बदल रहा है वक्त बदल रहा है पर क्या वक्त के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं? बदलनी चाहिए क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या घटती ही जा रही है घटती जा रही है। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा। जन्म देने के लिए माँ चाहिए साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए राखी बांधने के लिए बहन चाहिए कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए और ये सभी संबंधों को निभाने के लिए
बेटियां तो रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। इंडिया को लोग भारत माता मदर इंडिया के नाम से पुकारते हैं, परंतु इसी देश में बेटी को कोख में ही मार दिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? अन्याय है, अन्याय है। भारत में माँ लक्ष्मी और दुर्गा को पूजा जाता है और इनके नन्हे रूप को जन्म देते ही माँ की कोख में मार दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियाँ न कर पाई है। बेटियाँ तो आसमान से तारे तोड़ लाई है, तारे तोड़ लाई है, तारे तोड़ लाई है। बेटी को ना समझो बाप, जीवन का यही आधार, जन जन का ये नारा है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को सिखाएंगे, बेटी देश की शान है, बेटी देश की मान है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।